लब्ध प्रतिष्ठ परम सम्मान्य संत श्री साहेब जी, जिनके बहुत ही सारगर्भित विचार श्रवण कर रहे थे, कबीर आश्रम सूरत से पधारे हुए सम्मान्य संत श्री गुरुभूषण साहेब, वरिष्ठ गुरु भाई मेरी बाईं तरफ जो बैठे हुए संत श्री गुरुजतन साहेब, विभिन्न आश्रमों से आए हुए मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, साध्वी समाज, ग्रामवासियों, दूर दूर से आई हुई प्रबुद्ध धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का दूसरे दिन का सत्र चढ़ रहा है। गुरुवर कबीर की वाणी बीजक का पाठ हुआ, पश्चात संतों के द्वारा भजन और प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे थे। कुछ देर के लिए मैं भी आपके समक्ष निवेदन प्रस्तुत किए जा रहा हूं। भारतवर्ष की इस पावन धरती में चार ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्र चिंतन पर बल दिया है। वे महापुरुष महर्षि कपिल, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध और गुरुवर कबीर। इन महापुरुषों ने किसी परंपरा की परवाह नहीं की, किसी विशिष्ट महापुरुष को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना और न ही किसी पोथी के आधार पर अपना उद्धार माना है। इन महापुरुषों में जिनकी मैं विशेष याद करता हूं, जिनके चरणों में बार बार सिर झुकता है, वे हैं गुरुवर कबीर। गुरुवर कबीर की प्रशंसा में, सदगुरु कबीर की प्रशंसा में, कबीर पंथ के जाने माने महापुरुष, कबीर पारा संस्थान इलाहाबाद के संस्थापक पुज्जर गुरुदेव श्री रविदास साहब जी की कविता है, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार फिर से ध्यान दें। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो, तुम लहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी, सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थी बात चोखी, तुम किसी भी पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे, धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रोशनी बढ़ती नहीं है, तुम तराशे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे सभी पहलू दूत दिखे, व्यक्तित्व भी ऐसा तुम्हारा था निराला, सभी ने ही रीझ तुम पर दृष्टि डाला, निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव विरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन के दायभागी, सांप्रदायिक द्वंद जितने ही छटेंगे, मान्यताओं के प्रबल बंधन कटेंगे, उते ही नित निकट होंगे हम तुम्हारे, जिते दिन बीते लगोगे नित्य प्यारे, ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय हैं निज रूप न्यारे, कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया,
जिंदगी की दौड़ तुमने मिट डाली, कर दिया विश्रांति जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुई तर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। बोले सदगुरुदेव की, जोर से कहो ना भाई, और बोले सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, माँ बहनों की, साहेब बंदगी। आइए कुछ देर विचारों की तरफ। हमारा जीवन में बड़ा दुर्लभ जीवन है, पता नहीं कब कब कहाँ कहाँ किस खाने से भ्रमण करते हुए इस मानव शरीर की भूमिका में आई हुई। हम और आप एक सामान्य जीवन से परिचित हैं। हम और आप यहां जितने बैठे हुए, इन संतों की बात छोड़ो, एक सामान्य जीवन से परिचित हैं, इस भौतिक जीवन से परिचित हैं, जिससे परिचित होना चाहिए अभी तक हो ही नहीं पाए। जिससे परिचित होना चाहिए नहीं हो पाए, वो क्या चीज है? वो है आपकी आत्मा। अभी श्री कृपण सरन साहेब जी ने उसकी व्याख्या दी थी, कबीर संस्थान इलाहाबाद के अध्यक्ष महोदय सम्माननीय संत श्री कृपा सरन साहेब जी ने व्याख्या दी थी, ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय है निज रूप न्यारे, कस्तूरी कुंडल बसे तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। भौतिक शरीर तो चूंकि जन्म हुआ है छूटेगा ही, इस नियम से कोई अलग नहीं हो पाया है। न कभी जिसका जन्म होता हो, न कभी मृत्यु होती हो, वो कौन सी चीज है? वही आपकी आत्मा है। अनंत काल से उसकी यात्रा चल रही है और अनंत काल तक उनकी यात्रा चलती रहेगी। कब तक? जब तक संस्कारों से जड़ा हुआ है तब तक। एक जगह मैं इसी पर विचार दे रहा था कि भौतिक शरीर और जीव का संगम काल जीवन कहलाता है। जिन तत्वों से शरीर निर्मित है वे पांच तत्व, मिट्टी पानी आग हवा आकाश। और जिस शक्ति से माध्यम में बोल रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सारे जो काम कर रहा हूं, वो आपके चेतन। ये भौतिक तत्वों से ऊपर ही चीज है। तो जिन तत्वों से शरीर बना हुआ है वो तो हाड़ चाम मलमूत्र पिटा रहे शरीर ही है। जीव कहां से आ गया? जीव किससे बना हुआ है? कभी आपने सोचा इस विषय पर? सोचिए। कारण कार्य की कटुट व्यवस्था है। मेरे दोस्तों मित्रों, इस बात को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करें। कारण कार्य की कटुट व्यवस्था है। कारण कहते हैं समूह को, कार्य कहते हैं समूह से बने हुए पदार्थ को। ये सब जो दिखाई दे रहा है कार्य रूप में परिणित है। कार्य जो है कारण में विलीन हो जाता है। आग का समूह सूर्य है, जल का समूह नदी सागर तालाब है, मिट्टी का समूह जिस पर आप बैठे हुए हो, हवा एटमॉस्फेयर वातावरण में हवा है। इतने में एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो सामने बैठा था वो खड़ा हो। मेरे सामने जो व्यक्ति बैठा था वो खड़ा हो गया, हुजूर स्वामी जी आपने जड़ तत्वों का समूह तो बताया, जीव का समूह तो नहीं बताया आपने कि जीव कहां से आ गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ध्यान दीजिए ठीक से।
जड़ तत्वों का समूह तो आपने बताया, जीव का समूह तो नहीं बताया। जीव का भी कोई समूह बता दीजिए कि जीव कहां से आया। तो मेरे बिना कुछ कहे एक दूसरे सज्जन ने कह दिया, अरे वाह यार, तुम ब्रह्मवाद लाना चाहते हो कि ब्रह्म से जीव पैदा हो गया, यहां ईश्वरवाद लाना चाहते हो, जीव ईश्वर से जीव पैदा हो गया, सब बेकार की बात। जीव कारण कर्म की कटुट व्यवस्था से परे है। आपने सुना होगा कई बार व्याख्याताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा, ईश्वर हंस पूरा कर दो, कभी कभी क्यों डबे हुए पूरा रहा हो, ईश्वर हंस जीव ना से बेकार की बात। अगर ईश्वर अखंड है, अगर अखंड है तो जीव कहां से पैदा हो गया, वहां से ईश्वर अंश जीव विनाशी। अब जीव को हम अखंड मानते हैं, अखंड है ही, और ईश्वर भी अखंड है, तो अखंड से जीव कैसे पैदा हो गया, कभी आपने सोचा इस विषय पर? कारण कार के अटूट व्यवस्था से परे वो सबके घट घट में, घट घट में वो जीव, घट घट में जीव क्यों भ्रमण कर रहा है? संसार की विभिन्न खानियों में जीव क्यों भ्रमण कर रहा है? कुछ देख लूं, कुछ सुन लूं, कुछ चख लूं, कुछ भोग लूं, कुछ कर लूं। ये जो आकांक्षाएं हैं, जो कामनाएं हैं, जीव जब तक कामनाओं में फंसा है तभी तक वह विवस्ताओं में ग्रसा है, और कामनाएं छूट सब जाती जब ही है, जीव ही असी हो जाता तभी। वो जीव घट घट में न कि कण कण में, ऐसे इसी विषय पर भी बोल रहा था, क्योंकि समय समय से कुछ विचार नए ढंग से आते रहते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि जीव घट घट में है, फिर व्यक्ति में नहीं, महाराज मैं तो कण कण में मानता हूँ, बताओ हाल। अब वो कहता मैं तो कण कण में मानता हूँ, जीव कण कण में, घट घट में नहीं। मैंने उनको समझाने का प्रयास किया, नहीं भाई, व्यवहारिक स्थिति से आपका चिंतन गलत है। आप मानिए कि जीव घट घट में है। कबीर साहब, कबीर को लोग जो अनभड़ कहते हैं, बड़ा दुख भी हो जाता मैं तो। और आपने कई विद्वानों की पुस्तकें आपने पढ़ी, कबीर तो अनपढ़ थे, कबीर की भाषा सतुकीर्ण थी, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। गुरुवर कबीर किस पंक्ति पर दृष्टि डालिए, भाई रे, भाई रे, अद्भुत रूप अनूप कथ कहो तो को पति आई, जहां जहां देखो तहां तहां सोई, पूरा करो ना बीजक पाठी लोग कोई एक के जन बतावा थे, बोलो सदगुरुदेव की, समझिए आप। भाई रे, अद्भुत रूप अनूप कथक कहो तो को पति आई, जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। पंडित देखो हृदय विचारी को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले, कण कण बोले नहीं कराना। जाको ध्यान धरत विधि हरि हर मुनिजन सटासी, सोते रे सब तो जाना, तो कौन सी नई बातें बताऊं मैं, बोलो सदगुरुदेव की, विचारी इन बातों। अब मैं उनको समझा रहा हूं ये बात, सी घट घट में है जीव, और नहीं मान रहा जिद्दी आदमी, अब क्या करे, नहीं माने तेल का मना बते हैं। फिर बताने का मैंने प्रयास किया कि मान लीजिए अचानक आपको थूकना पड़ गया, कहाँ थूकोगे आप, जमीन पर थूकोगे, जो कणों का समूह है, आपको लक्सुंगा जाना है, पेशाब जाना है, कहाँ जाओगे आप? कि ना जाएंगे तो जमीन पर, जमीन तो कणों का समूह है ना, वहाँ भगवान रह रहे हैं, भगवान रह रहे हैं, जीव रह रहे हैं, परमात्मा रह रहे, कैसे जाओगे वहाँ? आपको डोल मैदान जाना है, लेट्रीन जाना है, कहाँ जाओगे आप? निराश हो गया मेरी बात सुन करके। तो मेरे दोस्तों, सबके घट घट में, वो घट घट में जो बैठा परमात्मा है, वही जीव है, आत्मा है, परमात्मा है, भगवान है। परमात्मा कहीं बाहर मत ढूंढो, जो ढूंढने पर मिलता है वो माया का रूप होता है, जो दर्शन का विषय तो छूट जाता है। और पक्की बात, जो मिलेगा वो छूटेगा, आपकी आत्मा आपसे कभी नहीं छूटेगी, ना छूटेगी, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं। मेरा परमात्मा, मेरा मालिक, मेरी चेतना, मेरा जीव, मेरा अस्तित्व,
मुझसे एक सेकंड के लिए भी अलग ना होगा। संसार का सारा संबंध संयोग वियोग युक्त है, जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लूट जाता, जो खिलता मुरझा जाता है, चुनता सो ढह जाता। सात सत्यम प्रकृति का है, परिवर्तन ही रह जाता। प्रकृति के एक नियम है, संयोग का वियोग होगा, मिलन का विछड़न होगा, लेकिन आपकी आत्मा आपसे कभी भी एक सेकंड के लिए भी नहीं बिछड़ेगा। गृहस्थी जीवन में पत्नी का संबंध कुछ दिनों के लिए होता है, पति पत्नी का संबंध कुछ दिनों के लिए, बच्चों का भी संबंध बीच बीच का कुछ दिनों का होता है, संसार का सारा संबंध कुछ दिनों का, लेकिन आपका संबंध आपसे कभी नहीं बिछड़ सकता। ये तो वह जीव की बात। कुछ ऐसे भी मतपंथवादी जो कहते हैं जीव नाम की कोई चीजें नहीं है, बेकार की बात, ऐसे भी कहने वाले मिलते हैं। मैं किसी मतपंथ का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे मतपंथवादी कहते हैं जीव और आत्मा शब्द से बड़ी घृणा, कि आत्मा नाम की कोई चीजें नहीं, सब प्रकृति जगत करा रही है। और कुछ ऐसे भी मतपंथ हैं, जीव ही सब कुछ है, प्रकृति जगत नहीं है। कभी आपने सोचा इस विषय पर? है मतपंथवादी, अतिरे विरोधी देखो अतिरे से आना। जितने मतपंथवादी सब अपने अपने ढंग से अपनी डफली बजा रहे हैं। तथ्य क्या है? इस पंक्ति को आपसे बार बार मनन करें, जो मैंने कविता प्रस्तुत की आप समक्ष, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा भी हो। कर सका कोई नहीं वैसा की हो, आत्मा है जीव है परमात्मा है। ईसा के अनुयायियों को ईसा कहते हैं, ईसाई कहते हैं। बुद्ध के अनुयायियों को बौद्ध कहा जाता है, महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैनी कहा जाता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, कई बार सुनते हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सब कहने का तरीका एकदम गलत है। वास्तव में धर्म नहीं है, मत है, मजहब है, संप्रदाय है। तो जो राम कृष्ण बुद्ध महावीर की जो अनुयायी है उनके साधक हैं, ये मत मजहब है। गुरुवर कबीर की पंक्ति बार बार याद आती रहती है, आपको भी मनन करना चाहिए। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। काल कहते मौत को, काल कहते कल्पना को। संसार के सारे प्राणी काल और कल्पना से बच नहीं सकते, घसीट घसीटे चले जाते हैं। एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को जो प्यारा हो, एक नाम, कौन सा नाम भाई? श्री राम को मानने वाले राम का जाप करते हैं, कृष्ण के उपासक लोग कृष्ण की याद करते हैं, ईसाई ईसा की याद करते हैं, बौद्धिस्ट बुद्ध की याद करते हैं, जैनी महावीर स्वामी की याद करते हैं, कबीर पंथ कबीर की याद करते हैं। सब कहते हैं एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को जो प्यारा हो, वो कौन सा राम है? न वो राम कह रहे हैं, गुरुवर कबीर कितने सावधानी से इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। न वो किसी न राम का नाम ले रहे हैं, न कृष्ण का नाम ले रहे हैं, न बुद्ध महावीर, न राधा स्वामी, किसी विशिष्ट महापुरुष का नाम नहीं ले रहे, एक नाम कह रहे हैं। एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को जो प्यारा है वो राम, वो नाम हृदय निवासी राम है। साहिब जी ने पुस्तक लिखी है बीजक, कबीर, हाँ कबीर बीजक के रत्न, 170 बार राम शब्द का प्रयोग किया है। बेकार कबीर साहब बदनाम कर, कबीर तो राम मानते ही नहीं थे। भारतीय संस्कृत राम बहुत ही प्यारा शब्द है, राम नहीं मानते थे, उनका चिंतन गलत है।
राम नाम भज चेत देख मन माही हो। राम नरम से कौंदन लागा, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम मला मुकामा, दिल मा को दिले मा को जो एक रेमा रामा। वो राम आपके घट में बैठा, उसी ने 170 बार राम शब्द का प्रयोग किया है। तो कबीर साहब जो कहते हैं कि कबीर तो अनपढ़ थे, कबीर की भाषा सधुकड़ी थी, जब ऐसी चर्चा होती है और याद आ जाती तो मुझे तुरंत, मैं पूर्णिया पहुंच जाता हूँ, पूर्णिया आचार्य धर्म साहब जी का प्रोग्राम करके 15 साल हो गए होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है 15-16 साल हो गए होंगे। मैं पूर्णिया का प्रोग्राम करके लौट रहा था, बरौनी से मुझे लखनऊ एक्सप्रेस लेना था मनकापुर स्टेशन उतरने के लिए। मैं था, मेरे साथी साथ में थे, बड़े चंचल वृत्ति के लोग, 4-5 लोग आ गए जिस कोच में मैं बैठा था। बड़ी उदंता से पेश आए मेरे साथ, बाबा कहाँ रहते हो? मैं तो मैं अयोध्या रहता हूँ। इधर कहाँ? मैं पूर्णिया श्री आचार्य साहब जी के प्रोग्राम में गया था, वहाँ से लौट रहा हूँ। किस पंथ के हो? मैं कहा कबीर पंथ का हूँ। अब जो पूछते मैं सारा सामान तो मैं बताता चला जा रहा हूँ। और जैसे ही कबीर का नाम ले बड़े गुस्सा गए, और कबीर पूरी दुनिया को उन्होंने अंधा कह दिया। अब ये पद उनको याद था, कहे कबीर कासो कहो सकलो जगंदा, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा, मैं काको समझाऊं जगत सारा अंधा। केवल कबीर की ही आंख थी, पूरी दुनिया को उन्होंने अंधा कह दिया। बड़ा हमको डांट के कह रहे थे, केवल कबीर की आंख थी, उन्हें सारी दुनिया का अंधा कहते, कबीर का नहीं आई थी। तो मैंने कहा कहीं कहीं महापुरुषों को कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता और करना चाहिए, ये मैंने कहा कहीं कहीं महापुरुषों को कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है और करना चाहिए। और गुस्सा आ गया वो। इतने में हुआ क्या, थोड़ी देर बाद तो बैठ तो गए, बीड़ी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद ये भी शुरू हो गया, समझ गए होंगे आप लोग बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, तंबाकू। और उन्हीं के साथ में किसी ने ये भी शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरा काम तो बन गया। तो मैंने कहा महाशय जी, अगर कबीर साहब ने कठोर शब्दों का प्रयोग किया, कहें कबीर कासो कहो सकलो जगंधा, तो क्या अनुचित किया उन्होंने? हर सिगरेट पैकेट में लिखा रहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छोटे छोटे पुड़िया आजकल आया है कई प्रकार के, उसमें सब में लिखा है स्वास्थ्य के लिए, लिखा रहता है ना। अरे हाँ तो कहूँगा, बोलो सर, कभी कभी कह दिया करो। इसमें बैठे होंगे कुछ लोग, बीड़ी पीने वाले भी बैठे होंगे, शराब पीने वाले भी बैठे होंगे, गुटखा खाने वाले, मैं कहूँगा नहीं, किसी से घबराइए मत आप, लेकिन जरूर बैठे होंगे। लेकिन मेरा निवेदन यह है, भले आप पीते खाते रहो, आज से दृढ़ संकल्प ले लो फिर से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप संसमा में आए हैं। अपने जीवन को प्रतिष्ठित करने की दिशा मिले ऐसी जगह आप आए हुए हैं श्री शोभा सुंदरम साहब जी के माध्यम से। फिर वो आदमी बैठा रहा, बोल नहीं सका वो आदमी। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि हमारे गुरुजनों ने, सभी महापुरुषों ने हमें अपने अपने ढंग से संदेश दिया है, निर्देश दिया है। मैंने पहली बात बतलाई कि जिसकी यात्रा अनंत काल से चल रही है वो है आपकी आत्मा। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यही तमाम होती है। सुबह हो गई, सोकर उठ गए, दैनिक क्रियाकलाप निपट ले, अपने अपने काम धंधे में लग गए, खेती बाड़ी वाले खेती काम में लग गए, किसान लोग, व्यापारी जाकर अपना दुकान खोल लिए, प्रशासनिक कर्मचारी जाकर के अपना शासकीय काम करने लगे कार्यालय में, शाम हो गई, घर लौट आए, खाए पी, फिर सो गए, फिर सुबह काम में लग गए। तो गुरुजनों ने बताया हमें, संतों ने बताया, महापुरुषों ने बताया कि सारा काम तो संसार के हर प्राणी कर रहा है, अगर आप ही अगर उसी में सीमित हो तो आपका भी जीवन है जैसे अन्य प्राणियों का जीवन। खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों से अब तक न पूरे हुए, न पूरे हुए न होंगे,
भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है। स्मृत कृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिर गौहर के कंदर में, पर नहीं पता तो पाया हुआ है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। घर में वन में मंदिर में चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में निप के कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में नफ के तारे उतारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से बुढ़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। मेरे दोस्तों, कुछ समय निकाल करके आप बैठिए, सारे काम काज करने के पश्चात, क्योंकि सारा समय तो शरीर की सेवा में लग जाता है, अंतर्मुख दृष्टि लाइए, कुछ एकांत बैठिए, विवेक दृष्टा और स्थिति के अभ्यास की विवेक कीजिए कि शरीर मेरा है मैं नहीं, शरीर मेरा है मैं नहीं, और संसार का सारा संबंध मेरा तक सीमित है। विवेक करो, जो दिखाई दे तो वो दृश्य जगत है, दृश्य जगत में ही आदमी भटकता चला जाता है। दृश्य कभी दृष्टा नहीं होता, दृष्टा कभी दृश्य, इसको भी आप नोट कर लीजिए बार बार, दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता, दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता है। विवेक कीजिए कि शरीर मेरा है मैं नहीं, तो शरीर और संसार के पदार्थों का दृष्टा बन जाइए, और धीरे धीरे दृश्य को छोड़ करके दृष्टा स्वरूप में स्थिर हो जाइए। यही हमने संदेश इन महापुरुषों ने, गुरुजनों ने दिया है, संत महापुरुषों ने। एक कविता गाकर मैं वाणी विराम लेना चाहूँगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। थोड़ा जोर से जय बोलेंगे। बोलिए सदगुरु देव की। मैं तो सोचा वहां से ऑर्डर मिल गया भैया। बोलो सदगुरु देव की। ले भाई, मैं समझा उधर से बंद करके सारा कर रहे हैं करके। जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तू कहकर यह आर्य काय गलता था। आदर्श आर्य मुनियों के टूटी माला संविखरे, पाखंड दम उत्पीड़न हिंसा विलास ते निखरे। भारत टुकड़ों में बटकर उसकी होली जलती थी, मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंता पलती थी। मैं आस्तिक तू नास्तिक है, मैं दीनदार तू काफर, अपने हरफों में सबको इल्हाम गर्व था आफर। योगी दरवेश से बड़ा सन्यासी और विरागी, सब थे विवाद में लिपटे, सब थे अहंकार के रागी। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत एक आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ पढ़ाए। है वर्गहीन मानवता मुखरित उनकी वाणी में, निष्पक्ष ज्ञान की प्रज्ञा है उदित हुई ज्ञानी में। उनका अपना नहीं कोई, इसलिए सभी अपने थे, माया निर्लिप्त निराले, जागृत में ना सपने थे। ये राम रहीम के झगड़े उनको थे सदा खटकते, जिनको ले हिंदू मुस्लिम आपस में रहे चटकते। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर न तो पाताल में ही है। वेदों में और किताबों में राम रहीम नहीं है, ना है आकाश के ऊपर न तो पाताल में ही है। ऐ काजी पंडित सुन लो, जो राम रहीम तुम्हारे घट घट में बोल रहे हैं, इनको दुख मत दो प्यारे। दिल दया रहम को तज कर संध्या नमाज खाली है, प्राणी से वैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है।
सब पूजा धर्म कर्म है निर्मल मन वाणी काया, मानव में प्रेम प्रसारण यर जीव मात्र पर दाया। वे प्राण साम के फूके मानव समाज में बलकर, वे प्राण साम के फूके मानव समाज में बलकर, अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर, अब भी जग सुधर सकेगा ऐसे ही पथ पर चलकर। बोल सतदेव की जय। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी बातों को। साहिब बंदगी, साहिब।